नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष आज आपसे बात करने वाला हूँ किडनी को लेकर के। किडनी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और सात ऐसी चीज़ों के बारे में बात की जाएगी जो आपकी किडनी ख़राब कर सकती हैं। दोस्तों, एक बहुत ही हेल्दी लाइफ जीने के लिए, ऑप्टिमल लाइफ के फंक्शन अचीव करने के लिए किडनी के फंक्शन प्रॉपरली काम करते रहना और किडनी के फंक्शन बिल्कुल ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये वो सात चीज़ें हैं जो आपकी किडनी फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, ख़राब कर सकती हैं। दोस्तों, एक चीज़ आपको जाननी समझनी बहुत ज़रूरी है, किडनी का काम होता है फिल्टर करने का। तो बहुत सारा ब्लड किडनी को हर रोज़ जाता है और वो फिल्टर होता है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है किडनी का, लेकिन इसके साथ साथ किडनी के और दूसरे भी फंक्शन होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। तो नंबर एक कारण जो आपकी किडनी फंक्शन को ख़राब कर सकता है वो होता है ब्लड शुगर लेवल। चाहे कोई व्यक्ति प्री डायबिटिक हो, चाहे उसको टाइप 1, टाइप 2, कोई सी भी डायबिटीज़ हो, अगर किसी व्यक्ति को शुगर की बीमारी है, उस स्थिति में उसके शरीर के अंदर अगर लंबे समय से खून के अंदर शुगर का लेवल हाई चल रहा है, बढ़ा हुआ चल रहा है, व्यक्ति अपने शुगर को कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो ये निश्चित रूप से व्यक्ति की किडनी को ख़राब कर देगा। किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं जिनसे मिलकर के किडनी बनती है। नेफ्रॉन छोटी छोटी इकाई यूनिट होती हैं और ये अरबों खरबों की संख्या में होती है। तो हाई ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो इन नेफ्रॉन्स को बिल्कुल पूरे तरीके से ख़राब कर देता है। और धीरे धीरे जो है समय के साथ जितने ज़्यादा नेफ्रॉन ख़राब होंगे, व्यक्ति उतनी ही ज़्यादा उसकी किडनी ख़राब होती जाएंगी, और एक ऐसी स्थिति आएगी कि व्यक्ति जो है इन सारे नेफ्रॉन्स को अपने खो देगा। उस स्थिति में व्यक्ति की किडनी पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है और व्यक्ति जो है फिर ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां डॉक्टर उनको कहने लग जाते हैं कि आपको क्रोनिक किडनी डिजीज़ CKD की स्थिति में आप पहुंच चुके हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़ आपको अब हो गई है। तो सबसे पहला काम, नंबर वन का काम आपको अपनी किडनी को बचाने के लिए जो करना है वो करना है कि आप अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखेंगे, उसको एक नॉर्मल रेंज में रखेंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो भी आप डाइट ले रहे हैं उसके अंदर आप बहुत बहुत कम कार्बोहाइड्रेट लें। अगर आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो वो निश्चित रूप से आपकी ब्लड शुगर को बढ़ाएगा, और अगर आपको शुगर नहीं है तो भी वो व्यक्ति जो है धीरे धीरे शुगर की ओर चला जाता है, शुगर की बीमारी उनको लंबे समय में चल करके हो जाती है। तो जब भी आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं तो शुगर जो होती है आपके ब्लड में स्पाइक करती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है एकदम अचानक से। और दूसरा जो कारण होता है जो डिस्ट्रॉय कर रहा है आपकी किडनी या कर सकता है, वो होता है क्रोनिकली हाई इंसुलिन, जिसको हाइपर इंसुलिनीमिया भी बोलते हैं। मतलब हमारे ब्लड जो है उसके अंदर इंसुलिन का लेवल लंबे समय से अगर हाई ज़्यादा रहता है, इसके पीछे भी कारण होता है हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। तो कार्बोहाइड्रेट जितना ज़्यादा होगा डाइट में उतना ही ज़्यादा नुकसान शरीर को होता है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शुगर की जस्ट शुरुआत हुई है या फिर उनको टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ में जो है दवाइयाँ गोलियाँ चल सकती हैं जो शुगर को कंट्रोल रखती हैं। ये दवाइयाँ किस तरीके से काम करती हैं, ये दवाइयाँ आपकी बॉडी के अंदर जाकर के इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाती हैं। जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज पर एक प्रकार का एक्शन होता है इनका, और पैनक्रियाज को फोर्स किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन पैदा किया जाए। तो कभी कभी ये जो ब्लड शुगर कंट्रोल करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं ये एक्चुअली इंसुलिन को बढ़ाती हैं, जिसके कारण ब्लड के अंदर इंसुलिन बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है उसका। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धीरे धीरे चल करके क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है। तो जो लोग दवाइयाँ खाते हैं शुगर की, शुगर तो उन लोगों की किडनी को डैमेज कर ही रही है, लेकिन शुगर को कंट्रोल करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं वो भी इस इंसुलिन को बढ़ा करके हाइपर इंसुलिनीमिया की स्थिति आपकी ब्लड के अंदर कर रही है, जिसकी वजह से लोगों की किडनी लंबे समय में चल करके ख़राब हो जाती है। तो इसको फिक्स करने का, इसको ठीक करने का जो तरीका है वो भी है कि आप जो डाइट लेते हैं वो उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही लो होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप फिर से कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट से आप बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर सेम स्थिति हो रही है कि आप अगर लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेंगे तो आपको जो है इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेट नहीं होगा बॉडी के अंदर, तो फिर आप निश्चित रूप से अपने किडनी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। दोस्तों, किडनी को ख़राब करने वाला जो अगला बड़ा कारण आता है वो आता है अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत दिक्कत चल रही है, क्योंकि वो चेक नहीं कराते। तो आजकल सबसे अच्छा तरीका ये माना जाता है कि भाई आप समय समय पर अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें, ताकि आपको उसकी सही सही स्थिति पता रहे। तो ये बहुत बड़ा कारण होता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बहुत सारे लोग दावा करते हैं दुनिया भर में कि भाई ब्लड प्रेशर जो है ना वो बहुत ज़्यादा नमक खाने से बढ़ता है, या फिर मतलब पारिवारिक होता है कि आपके माँ बाप को था तो आपको भी होगा, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, 80-90% ऐसे लोग होते हैं जिनको बीपी बढ़ा हुआ है और बीपी की शिकायत है, हाई बीपी की शिकायत है, उसके पीछे भी कारण होता है क्रोनिक हाइपर इंसुलिनीमिया। तो ये इंसुलिन जो होता है वो बढ़ा हुआ इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड को गलत तरीके से इकट्ठा करने लग जाता है, जो कि नेचुरल प्रक्रिया नहीं है, और जिसकी वजह से एडिमा सूजन होने लग जाती है। और तो इसके पीछे भी कारण होता है कहीं ना कहीं हाई कार्बोहाइड्रेट का इंटेक। जो खाना है, भोजन है, उसमें आप इस तरीके के भोजन कर रहे हैं कि जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ही है ज़्यादा, प्रोटीन वगैरह दूसरी चीज़ें नहीं है। तो डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत सारा नुकसान करता है निश्चित रूप से।
अगर कार्बोहाइड्रेट को कट करोगे, कम करोगे, तो भाई उससे ये इंसुलिन कम हो जाएगा, और इंसुलिन कम होगा तो निश्चित रूप से फ्लूड भी कम रहेगा बॉडी के अंदर, उसको सही तरीके से जितना होना चाहिए उतना रहेगा, तो फिर आपका बीपी भी नॉर्मल रहेगा। नंबर चार का कारण जिसकी वजह से किडनियाँ खराब हो रही हैं लोगों की, उसमें पीछे होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयों का सेवन। दर्द निवारक दवाइयाँ जो होती हैं, दर्द को कम करने वाली और ख़त्म करने वाली दवाइयाँ, उनका लोग बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। हमारे देश में तो खुली बिकती हैं, किसी भी स्टोर पर से जाकर के आप ले सकते हो, जबकि दूसरी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, वहाँ पर सिर्फ ब्रूफेन वगैरह या नेप्रोक्सन जैसी जो दर्द निवारक दवाइयाँ हैं वही आप जाकर के कोई भी व्यक्ति काउंटर पे से ऐसे खुद से खरीद सकता है, अदरवाइज डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इन दवाइयों का सेवन बहुत ही छोटे समय के लिए करना चाहिए, कुछ दिनों के लिए, ठीक है, और वो भी अपने डॉक्टर की सलाह लेके। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से दवाइयाँ खाए जा रहे हैं। ये जो दर्द को कम करने वाली दवाइयाँ हैं, दर्द तो ठीक कर रही हैं, लेकिन अगर आप इनको डेली बेसिस पर खाएंगे, लगातार खाते रहेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं आपकी किडनी के लिए, और आपकी किडनी को समय के साथ साथ ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगी, खराब कर देंगी। तो कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे सेवन कर रहा है तो भाई मेरा तो सुझाव है कि बिल्कुल भूल जाइए और इनका सेवन मत कीजिए। तो अगर इनकी दवाइयों की जरूरत भी पड़ रही है तो ओकेजनली यूज करना है इनका कभी कभी, लेकिन प्रैक्टिस में देखा है भाई कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि महीनों महीनों सालों सालों तक दर्द की दवाइयों का सेवन करते रहते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में उनकी किडनी को बचाना असंभव है, कोई नहीं बचा सकता। तो दोस्तों अगला जो कारण है जो किडनी को ख़राब करता है, आप देख करके सुन करके चौंक जाएंगे, वो होता है स्मोकिंग। तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में, आप तंबाकू का सेवन हुक्के में, बीड़ी में, धूम्रपान में या चबा करके किसी भी रूप में अगर आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, स्मोकिंग भी जो लोग कर रहे हैं उन लोगों में भी कुछ इस तरीके की उनकी बॉडी के अंदर रिएक्शन होती है, इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स पैदा होते हैं कुछ। तो भाई किडनी फंक्शन अगर ठीक रखने हैं तो तंबाकू भूल जाइए, तंबाकू किसी भी रूप में हो सकता है, सब सेम ही नुकसान करते हैं बॉडी में जाकर के। तो तंबाकू रोग को रोकना, इसके सेवन को रोकना भी बहुत जरूरी है। इसको लोग सोचते नहीं है क्योंकि उन लोगों को लगता है कि भाई किडनी पर तो कोई असर ही नहीं है, इसका तो दूसरे अंगों पर ही काम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है मित्रों, पूरी दुनिया में जो है इस बात को साइंटिफिकली प्रूवन हो चुकी है, पूरे शोध हो चुके हैं इन सब चीज़ों के ऊपर, ठीक है। अगला जो कारण आता है भाई वो आता है अल्कोहल बहुत ज़्यादा सेवन करना। कुछ लोग जो है कंटिन्यूअस बेसिस पर जो है अल्कोहल का सेवन करते रहते हैं। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ओकेजनली लेता है, किसी का बर्थडे है तो एक या दो बियर उसने ले ली, तो फिर महीनों तक नहीं ली, तो ऐसी स्थिति में ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो लगातार जो सेवन करते रहते हैं, तो मैं तो अपनी तरफ से हाईली एडवाइस करूंगा आप लोगों को भाई इस चीज़ को बिल्कुल कट डाउन कर दीजिए। अल्कोहल जो ड्रिंक होती है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है किडनी को, तो फिर ऐसी स्थिति में ये भी आपकी किडनी को डैमेज कर रही है, तो फिर इससे बचाव जो है आपके हाथ में है, आप अपनी सुरक्षा खुद अपनाइए ताकि आपकी किडनी फंक्शन ठीक रहे। नहीं तो बहुत सारे लोग जो है डायलिसिस के बहुत ज़्यादा केसेज बढ़ते जा रहे हैं भाई, मैं तो हर रोज देखता हूँ। नेक्स्ट जो कारण आता है दोस्तों वो होता है ईटिंग और ड्रिंकिंग हाई ऑक्सीलेट डाइट। तो ये जो है बहुत सारे फल और सब्जियाँ हमारी ऐसी होती हैं जिसके अंदर ऑक्सीलेट हैवी मात्रा में होता है, तो और कभी कभी तो इन ऑक्सीलेट वाली सब्जियों का और फलों का सेवन जो है व्यक्ति वो कच्ची रूप में ही करने लग जाता है, तो कभी कभी लोगों के शरीर के अंदर एक्यूट ऑक्सीलेट रिएक्शन होने लग जाती है जिसकी बहुत सारे लोगों के किडनी में स्टोन हो जाती है। और वो जो मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन होती है वो ऑक्सीलेट के कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण होती है बेसिकली, ठीक है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स जब आप उनसे मिलते हैं तो वो कहने लग जाते हैं भाई कैल्शियम का सेवन कम करो, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ऑक्सीलेट जो है उसको कट डाउन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीलेट वाली चीज़ें उनसे बचाव करना जरूरी है। तो ये जो स्टोन हो जाती है किडनी के अंदर कभी कभी बड़ी हो जाती है साइज के अंदर, और ये फिर आगे ब्लॉकेज करने लग जाती है, फिर ये जो स्टोन होती है भाई वो आगे जाकर के किडनी की जो यूरेटर होती है उसको ब्लॉक कर देती है, ब्लॉक होने के बाद में किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ने लग जाता है और लोगों की किडनी धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। मैंने 2-3 वीडियो इसके ऊपर बना दिया है कि भाई किडनी स्टोन से बचाव करनी, अपनी किडनी को बचा करके रखना, यूरिया क्रिएटिनिन चेक कराते रहना बहुत जरूरी होता है। तो ऑक्सीलेट जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, और किडनी स्टोन जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों की किडनियाँ खराब करते हैं, तो किडनी स्टोन से अपना बचाव सुरक्षा रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये तो कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, वो तो बिल्कुल यूरेटर को ब्लॉक मार देती है, ठीक है। तो जितनी बड़ी स्टोन होगी उतनी ज़्यादा किडनी खराब करने की उनकी संभावनाएँ रहती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही थे 7 कारण जो किडनी खराब कर रहे हैं लोगों की। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, और भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा ताकि ये किसी और तक भी पहुंचे हो, दूसरे लोगों को भी भाई इससे कुछ बेनिफिट मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।